कानपुर में रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा की गाड़ी के सामने आई दुष्कर्म पीड़िता की मां प्रियंका गांधी ने उतरकर लगाया गले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। कानपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो कानपुर साउथ के बाबूपुरवा क्षेत्र में पहुंचा था और वहां MSc की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता मां प्रियंका गांधी की गाड़ी के सामने आ गई। इस दौरान प्रियंका नीचे उतरी और पीड़ित मां को गले से लगा लिया। बेटी को न्याय दिलाने और उसके हथियारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए बुधवार को पीड़ित मां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। पीड़ित मां के हाथ में पोस्टर देखकर प्रियंका वाड्रा ने गाड़ी से उतरकर उन्हें गले लगाया। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। तो ये आंखें नम कर देने वाला वीडियो कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक मां किस कदर फूट फूट कर रो रही है। आपको बता दें कि प्रियंका वाड्रा रोड शो करते हुए बाबूपुरवा स्थित NLC चौकी के पास पहुंची। तभी रेल बाजार में MSc छात्रा हत्याकांड की पीड़ित मां उनकी गाड़ी के सामने आ गई। बेटी को न्याय दिलाने और हथियारों को फांसी की मांग का पोस्टर देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित मां को अपने गले से लगाया तो वह फपक फपक कर रोने लगी। इस दौरान करीब 5 मिनट पीड़ित मां उनके गले लगकर रोती रही, जिसके बाद प्रियंका ने पीड़ित मां और उसके मामा को अपनी गाड़ी में बिठाया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी MSc की छात्रा थी। बीते 29 दिसंबर को उसके सहपाठी सोमनाथ गौतम ने अपने 2 साथी सत्यम मौर्या और रावेंद्र के साथ मिलकर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद आरोपियों ने बेटी की हत्या कर दी थी। जिसके बाद पीड़ित मां ने मामले की CBI जांच और आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की, जिस पर उन्होंने पीड़ित मां की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें अपना मोबाइल नंबर दिया और साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा मुकदमे की पैरवी करने की बात कही। वहीं मामले की CBI जांच और आरोपियों को फांसी नहीं होने पर उनके साथ शहर आकर धरना प्रदर्शन करने का भी आश्वासन दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।